What's up, everyone? Assalamu alaikum. This is Podcast Game On Ubuntu. Actually, we call it Game On Podcast. Today's podcast number one, and we have a great guy with us. He is none other than Mr. Moin Imran, and he is known as Mizzy. This guy is totally amazing. You can check out his YouTube channel, you can check out his group, you can check out his Facebook page, and this guy's almost everywhere. Oh my god, he's talented, he's got the skills, and he gets the chicks. Yep. That's right, even more than Buntu Cage. For those who don't know, this is Buntu Cage right here. So, let's begin the first podcast. How are you, Mr. Moin Imran? I'm fine, thank you for asking. So, what topics are we talking about today? First off, we are going to talk in Urdu. Because we want to attract all the Pakistani gamers. Alright. Yep, all the Pakistani gamers. So, आज आप हमें बताएं आज हमारे टॉपिक्स हैं हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं रोल पे तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट पहला टॉपिक है डेड राइजिंग 3 पीसी वर्जन तो करंटली डेड राइजिंग 3 का पीसी वर्जन मोइन भाई ने डाउनलोड किया है सो वी विल आस्क अबाउट इट के मोइन भाई को क्या उसमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स है नेगेटिव एंड पॉजिटिव जस्ट लाइक गेम ऑन टॉक गेम ऑन पॉडकास्ट तो मोइन भाई बताइए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक की कैपकॉम की सबसे घटिया जो स्ट्रेटेजी है ना गेम बेचने की वो इन लोगों ने डेड राइजिंग 3 के ऊपर सारी कसर उतार दी जितनी उतार सकते थे ये कि हमारी गेम बिक जाए एक किस्म की के बस हमने एक्सबॉक्स के ऊपर शुरू में एक एक्सक्लूसिव दे दिया कि एक्सबॉक्स की एक्सक्लूसिव है और बाद में जैसे ही हमारे पास पैसे ख़त्म हुए हमने कहा चलो ठीक है अब हम पीसी पे निकाल देते हैं अब दो दो टाइटन के कार्ड लो स्लाई के ऊपर लगाओ फिर गेम कोई 1080p या 720p मर मर के चलेगी नहीं चला सकते जाओ लेकिन हमने अपनी गेम बेचनी इतनी घटिया स्ट्रेटेजी यार पता नहीं किसने इनको ये आइडिया दिया तो इसका मतलब हमें ये गेम होता है कि टोटली गेमर्स जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को डेड राइजिंग 3 फॉर पीसी इज अ डिजास्टर बिल्कुल बेड़ा गर्क है वो और जैसे कि मिजी ने बताया हमें कि जहन्नम में जाना बेहतर है उससे खेलने से डेड राइजिंग 3 पीसी से तो बाकी मैं भी कुछ ऐड करूंगा इसके अंदर क्योंकि कैपकॉम एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रीवियस टर्म से सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में तुली हुई है और जैसे मोहन मैंने बताया हमें मिजी ने कि उन्होंने जो हाइस्ट अपना इनकम का सारा ग्रुप होल्ड वो उन्होंने डेड राइजिंग 3 पर निकाल दी आई मीन कि वो गेमों के रीमास्टर एडिशन निकाल रहे हैं टर्बो एडिशंस अल्ट्रा एडिशंस यू नो निगो एडिशंस एंड बीफ एडिशंस विदाउट चीज एडिशंस वो ये चीज़ें कर रहे हैं और उनके पास और कुछ नहीं है एडिशंस ऐसे ही ना मोइन हाँ ऐसे ही क्योंकि उन्होंने पहले एक्सबॉक्स पर निकाल के सारे पीसी गेमर्स को इस तरह एक किस्म का मॉडल दिखाया कि हमारे पास ये गेम है फिर पीसी गेमर्स ने कहा यार अगर ये पीसी पे आएगी तो ये कितनी ज़बरदस्त गेम होगी हम मॉडिंग कर सकते हैं और भी इतना ऑनलाइन क्या नाम हैक निकाल कर लैन कर सकते हैं इतना इसके अंदर कुछ कर सकते हैं और इसी का फ़ायदा उठा के कि आपको मतलब ने कहा चलो भाई शुरू हो जाए इनसे पैसे लूटना और हुआ क्या टोटल एंड अप हुए वो डिजास्टर में बिल्कुल बेड़ा गर्क करके बिल्कुल ही डिजास्टर है मैं अभी नेट के ऊपर पा रहा हूँ ये क्या नाम है रेडिट के ऊपर कि लोग यहाँ पे इनको गालियाँ निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास टाइटन टाइटन ब्लैक के दो कार्ड होंगे तब भी मर मर के आपको कम अज कम 30 फ्रेम्स भी मर मर के दो टाइटन कार्ड लगा के आपको मिलेंगे तो मेरे ख्याल से डेड राइजिंग 3 ऐसी गेम है जो आपको टॉरेंट से पायरेट करके फ्री तो मिल ही जाएगी लेकिन टाइटन का एक कार्ड यूजली 1 लाख से ऊपर का कॉस्ट करता है तो डेड राइजिंग 3 खेलने के लिए आपको 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा वो भी जैसे मिजी ने बताया मर मर के उससे आपकी डेड राइजिंग चलेगी डेड राइजिंग 3 के लिए आपको मोर देन 2 टाइटन कार्ड्स चाहिए दैट इज टोटल अराउंड 2 लाख टू 3 लाख सो डेड राइजिंग खेलने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा मैं तो इनको जितने भी गेमर्स सुन रहे हैं जो अभी ये गेमर सुन रहे हैं मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि साल इंतज़ार कर लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पैच इन लोगों ने निकाल लिया है कोई फिक्सेस निकाल लिए हैं कुछ निकाल लिया लेकिन कैपकॉम पे उम्मीद ना रखो क्योंकि इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने कभी भी जो अपने क्या नाम है इनके जो सपोर्टर्स हैं इनका कभी साथ नहीं दिया है उनको सीधा कि जन्नत में जाओ ये तुम लोगों का गिफ्ट है हमें सपोर्ट करने के लिए लोग फिर भी इनकी गेम खरीदते हैं जो बहुत ही शर्म की बात है अगर आपको कोई गेम नहीं पसंद अगर वो आप ये समझते हो कि ये कंपनी बिल्कुल ही फारक है ये गेम हमारे मतलब की बना ही नहीं रही है तो उनको मत सपोर्ट करो एग्जैक्टली
ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फॉल्स सपोर्टिंग चल रही है फुल टाइम, क्योंकि एक तरह का उन्होंने अपने होल्ड में रख लिया कस्टमर्स को, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपने हाथ से रख लेना वो कर लेता है उन्होंने, बिल्कुल वही हिसाब है कि बस अब हमें पता है कि कंपनी है, उसकी फैन फॉलोइंग है, जस्ट लाइक एन एक्टर सलमान खान है, जिस तरह उसकी मिसाल ले लें या शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें, आता है ग्राउंड में लोग पागल हो जाते हैं, जारी बात छक्का है, मारता है, जारी जबरदस्त बात परफॉर्म है। करता है, नहीं बिल्कुल ऐसे ही वो है। तो जारी। अब देखो ये 2006 में क्या हुआ था, रॉकस्टार ने GTA 1, GTA 2, GTA 3, सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी, लिबर्टी सिटी, एक मास्टर पीसेस निकाले थे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। मास्टरपीस गेमिंग हिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि मार्क किया था अपना, वही ना, अब ये देखो उनका प्रोडक्ट चल रहा है अभी तक चल रहा है, अभी अभी तक तक। एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं इतने नहीं हैक्स इतने पैचेस के बावजूद भी। वही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनको पता है कि अगर वो घटिया से घटिया गेम भी निकालेंगे, उनका एक प्रोडक्ट लोगों के उनका दिल के अंदर प्रोडक्ट आया हुआ सेल है बिकेगा। बिल्कुल ऐसे। और अब एक ये अंदर की बात है, ये ट्विटर के ऊपर आई थी, ये सारी गेमर्स ने की थी, ये अंदर की बात है कि रॉकस्टार ने जानबूझकर GTA 4 को जितना घटिया बना सकते थे बनाया। क्योंकि उनको पता है कि एक PS2 के बाद नेक्स्ट जेन आई थी उस दौर की, जो कि PlayStation 3 और Xbox 360 थी, तो उसकी वजह से उनको पता था कि प्रोडक्ट इतना हिट करेगा मार्केट में, और एज इट इज इतनी घटिया होने के बावजूद भी इट वॉज ऑन द प्लैटिनम, इट वॉज ऑन द ग्रेटेस्ट हिट्स, और आई मीन के सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स सी जी टी फोर सारी की। बात है, क्योंकि लोगों ने जब खरीदी थी तो उसको रेटिंग उसकी जो मिलनी थी मिल गई, लेकिन जब लोगों ने वो गेम को खेला है तब जाके उनको पता चला कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस ऐसे ही हमें से क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि लोग नहीं तो ये इस जाल देखो, में फंस चुके ये हैं। एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। एग्जैक्टली अगर मैं 4 गेमें अभी अपनी कोई बनाता हूँ और आगे जाके लो मेरी फैन बेस बहुत ज़्यादा बन जाते 10,000, 20,000, 25,000, उनमें से मुझे इतना पता 5 या 10,000 लोग गेम खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको क्या टेंशन है, आपका नहीं सारा कवर होगा ना नहीं बजट सुनो तो उसका। सही ना, अब ये स्ट्रैटेजी जी यहाँ पे क्या काम आती है। अब मैं अपनी जो अगली लॉन्च टाइटल है उसको मैं बिल्कुल ही घटिया बना देता हूँ, ठीक है, ठीक लोगों की एक्सपेक्टेशन टूट गई। एग्जैक्टली अब 4 साल बाद मैं कोर्स का सीक्वल बनाता हूँ, उसको जितना अच्छा कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा कर सकता हूँ मैं उसको करूँगा और एक ट्रेलर लॉन्च कर दूंगा। जबरदस्त। अब जब लोग उसको देखेंगे कहेंगे यार ये तो पिछली सी भी इम्प्रूवमेंट है, इसके अंदर इतना कुछ नया डाला और पुरानी से तो बहुत ही बेहतर है, ये खरीदना दादा, तो और ज़्यादा फैंस मेरी प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे, मजीद और उसके अंदर एनहेंसमेंट आ जाएगी। मजीद एग्जैक्टली और आएंगे जस्ट लोग। लाइक मुझे जस्ट लाइक आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे GTA 4 अब बुरी से बुरी बनाई, उसके बाद उनका प्रोडक्ट GTA 5 इट वाज प्रोबब्ली द फाइनेस्ट ऑन द चार्ट्स, तो एग्जैक्ट वो ही हुआ कि उन्होंने एक गंदा मास्टरपीस है प्रोडक्ट यार। जैसे अब ये आपने देखो PS3 और एग्जैक्टली एक्सबॉक्स के ऊपर जो हिडियो कोजीमा है वो तक यार डिसअपॉइंट हो गया था कि यार मेरी मेटल गियर सॉलिड किस तरह कम्पीट करेगी ओपन वर्ल्ड में, यानी कि इतनी ज़बरदस्त। और जब इन्होंने PS4 और रिमास्टर वर्जन तो निकाल के दिखाया था ना, तो हिडियो कोजीमा ने इतना कह दिया था कि अगर वीडियो का इन्होंने जीवा ने तब कह दिया था कि भाई मैं तो गया, मेरी तो छुट्टी करती है उन्होंने, पट्टे चुपते ने उन्होंने मेरे वही 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 बात हुई ना। अब देखो एक दूसरा डेवलपर कोई अपने राइवल की अगर तारीफ करे तो वो तो फिर बहुत ही काम सुनने को मिलता है, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। वो तो बहुत ही काम है कि गिन चुन के वो कोई तो बिल्कुल डेवलपर होगा आपको क्या बात दूसरे का कोई, सही है। अगर मैं पाकिस्तान में डेवलपर हूँ और मेरे कोई मुखालिफ कोई खड़ा हो गया और वो मेरी तारीफ कर दे तो ये एक एक किस्म का मौजदा तो ही मेरे है। साथ ये मौजा है बिल्कुल बिल्कुल मौजा है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजा है, यहाँ का राइवल आपकी तारीफ कर रहा है, ये तो 100 सालों में एक दफा मिलने वाली चीज है, वही ना, और एक एक तो पाकिस्तान वर्गी मुल्क जीते बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ स्टिल वी आर नॉट ब्लेमिंग आर कंट्री फॉर दिस, वी लव आर कंट्री वी लव पाकिस्तान ऑफ जान, पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। कोर्स वी लव पाकिस्तान। लेकिन फिर वही बात घुमा फिर आगे दोबारा कैपकॉम की तरफ आते हैं कि अगर अभी कैपकॉम सुधरेगी नहीं ना अपनी गलतियों से, कैपकॉम का फ्यूचर बिल्कुल डैम्प है, जीरो है, डिस्ट्रॉयड है, कैपकॉम और का कैप खतर क्या खत्म। एक एक कैपकॉम का यही हाल होना जो THQ का हुआ है। THQ कैसा है, डूबा है, ओह माय गॉड, उनका प्रोडक्ट Saints Row 4, उनका प्रोडक्ट रेसलिंग की गेम, आई मीन THQ टोटल डिजास्टर, जिसको कहते हैं ना ठठे खुच जाना, ये सेंट्स रो के साथ THQ के साथ तो वो हुआ है। या उसके साथ बेसिकली वो बैंकरप्ट हो गया, उसने बहुत ही गंदी गेमों के अंदर अपने पैसे जाया किए और पैसे कुछ बचे नहीं, एग्जैक्टली सिंपल वही एज हुआ दैट। ना कि चौकी में आके तो उन्होंने एज एन के बस एकदम ही अपने आप उकाल से बाहर होके ऐसे स्पेंड किया है, और उनको उसका हाफ भी नहीं मिल सका वापस, सो दे टोटली बैंकक्रप्ट, और THQ कोलैप्स कर गया सीधे अनलकीली। कैपकॉम का और भी ये कैपकॉम का भी यही हाल होगा, क्योंकि ये लोग मजाक समझते हैं गेमों को,
इन्होंने स्ट्रीट फाइटर के ऊपर अल्ट्रा एडिशन, मेगा एडिशन, ये एडिशन, शिट एडिशन, पता नहीं कितने एडिशन निकाल दिए हैं। चेंजेस कोई बीच में आ नहीं रहे हैं। पेंसिल टाइप ग्राफिक्स हैं। इन लोगों ने टेकन का प्रोडक्ट पकड़ के स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन बनाया, स्ट्रीट फाइटर वो फ्लॉप चली गई। टेकन की भी इज्जत क्या नाम है आधी से ज़्यादा ड्रॉप हो गई, क्योंकि पिक्सल ये पेंसिल टाइप ग्राफिक्स ये जो होती हैं, क्या इसको कहते हैं, शेल सेल शेडेड ग्राफिक्स, ये एग्जैक्टली बहुत ही कम लोग गेम खेलते हैं। एक बॉर्डर लैंड हो गया जो कि जबरदस्त गेम थी, चाहे वो इसको एक्चुअली मैं बॉर्डरलैंड्स को आपके पेंसिल शेड जो है आप कह रहे हैं ग्राफिक्स का वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, आई मीन यू नो मोर देन मी, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उसमें स्लाइटली कॉमिकल टच भी था ग्राफिक्स का, लेकिन वो इस तरह का कॉमिकल टच था कि वो जिस लेवल का कॉमिकल टच था वो भी ज्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत कम यूजर्स हैं उसके। तो नहीं, सेल ऑब्वियसली तो जो जो होते हैं सेल शेडेड वो कॉमिकली ग्राफिक्स होते हैं कि कुछ यूनिक करके दिखाओ। बॉर्डरलैंड ने बिल्कुल कुछ यूनिक करके दिखाया है। अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर उनकी गलती है, लेकिन बॉर्डरलैंड मेरी नज़रों में मास्टरपीस है एक नंबर की। Borderlands is a true masterpiece. PS Vita पे भी आया and I would recommend all of the people to support the video game Borderlands. ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और आगे हम एक और बात करता चलूंगा कि just like Street Fighter एक ऐसी गेम है, especially we are in Pakistan, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क पाकिस्तान के gamers के बारे पे और उनके point of view से करेंगे, कुछ अपने point of view से भी करेंगे कि ऐसे है कि Street Fighter की जो control scheme है other than जिनको स्ट्रीट फाइटर खेलनी नहीं आती उनके लिए तो वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। और सपोजिंगली ये जो आपने पेंसिल शेडेड ग्राफिक्स की बात की है, टेकन को स्टाइल में डालना सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था उनके लिए। और दूसरा, टेकन के प्लेयर्स को आदत है विदाउट कॉम्बोज विदाउट ट्यूटोरियल्स टेकन खेलने की, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं ना 10 में से 8 या 7 भी देना, उनके लिए तो 10 में से -5 भी है वो भी कम है। तो इट वाज अ टोटल फेल टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर, वाज अ टोटल फेल इन माय ओपिनियन नहीं इन नहीं माय सॉरी, एक पॉइंट ऑफ मिनट, एक व्यू। करेक्शन कर दूं, स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन, क्योंकि कैपकॉम ने हाँ स्ट्रीट हाँ फाइटर अपना पहला स्ट्रीट नाम, फाइटर क्रॉस, क्योंकि टेकन में कोई एग्जैक्टली और वो गेम आ रही एग्जैक्टली है, वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ तक मैंने सुना है। हाँ, टेकन की तो बहुत अच्छी, टेकन के स्टाइल में हाँ बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन जो है वो इट वाज अ टोटल फ्लॉप, बिल्कुल बकवास जिसको कहते हैं ना, हद पार कर देनी। आई मीन उन्होंने इस कदर उसकी डाउनफॉल आ गई थी कि दे गेव इट एज अ फ्री गेम ऑन PS Vita और PlayStation Plus, मतलब आप देखिए उससे भी उनका प्रोडक्ट जो है ना इतना प्रेज नहीं किया गया। जब तक आप प्रोडक्ट को सही बनाओगे नहीं, पॉलिश नहीं करोगे, कोई जो गेम खेलने वाला है उसके मुताबिक नहीं बनाओगे, तब कोई भी आपकी गेम नहीं खरीदेगा। जो खरीदते हैं मैं उनको कहता हूँ बेवकूफ़ है, जो उनको सपोर्ट। अब देखो बैटल फील्ड है डाइस की, बैटल फील्ड फोर एक किस्म के थप्पर ही था, बैटल फील्ड मेरे जैसे बैटल फील्ड 3 हार्ड कोर प्लेयर के ऊपर थप्पर ही था वो एक किस्म का। उनका नेट कोड ख़राब है, सर्वर कनेक्शन नहीं हो रहे, एनिमीज़ की जगह आप स्पॉन हो रहे हो, लैग इतना हो रहा है, पता नहीं इतने बग्स थे उसके अंदर यार, उसको ठीक करना कहते थे इम्पॉसिबल है। लोगों ने हाँ, मैं उसको बैटलफील्ड के टॉपिक से मैं आपसे एक मजे की बात पूछना चाहूंगा, आप पहले अपनी बात कीजिए भाई। हाँ ये देखो, बैटलफील्ड 4 को लोगों ने जैसे ही सपोर्ट करना बंद किया है, उन लोगों ने कहा यार कुछ अब इनके कहने पे कर लो, उन्होंने बैटलफील्ड हार्ड लाइन जो DLC होने वाली थी उसको फुल गेम को $60 पे करके बेच दी, बेचना बेचने वाले हैं। अब ये देख देखो, एक DLC को आप एक पूरी गेम का प्रोडक्ट बना के कैंपेन देकर बेच रहे हो आगे, ये क्या मजाक कर रहे हो? आई मीन टोटली फूलिंग द गेमिंग ऑडियंस है, मैं तो इतना ही कहूंगा, और लोग भी उसी तरह मैं फिर कहूंगा बुद्धू मैं निकाल में फंसे हुए हैं, सपोर्ट पे सपोर्ट पे सपोर्ट कर ही जाना, प्रोडक्ट फेल है ऐसी बात पर डटे रहना ऐसे ही है। अच्छा मोहन, मतलब की बात आपसे मैं करूंगा, टॉकिंग अबाउट बैटल फील्ड, जिस तरह वही बात आ गई प्रोडक्ट फारे गए, तो मुझे बात बताएं कि बैटल फील्ड की जो सीक्वल है एंड ब्लू रेज, उसका उसके अंदर फॉल्ट आया था तो वो भी बैटल फील्ड रिस्पॉन्सिबल है उसके। सारी बात है, बैटलफील्ड रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं ना कि रिसेंटली मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो ये था कि मैंने बैटलफील्ड 4 खरीदी, क्योंकि बारे मेरे फ्रेंड्स ने डिमांड की कि बंटू भाई आए यार हम खेले मजा बैटलफील्ड, तो हुआ ये कि इट टुक मी गॉडडैम 3 days टू इंस्टॉल द गेम, 62% पे आई 1 घंटे में, उसके बाद मैंने 2 दिन लगातार लगाई रखी, 2 दिन लगातार वो 62 से कितने पे आई आप इमेजिन करें, आपका क्या कैसे आप कितना समझते हैं 2 दिन में कितनी मजीद 62 से आगे इंस्टॉल हुई होगी। 68, 72 जहाँ तक खराब इंस्टॉलेशन का तजर्बा है मेरा। तो वो आप बिल्कुल आपकी सही बात है, वो 68 पे जाके फंस गई थी, और उसके बाद क्या हुआ मैंने कहा चलो तब तक कैंपेन खेलते हैं, वो भी पहला मिशन सिर्फ
और उसके दरमियान सीडी बायर कर देता था। वो कहता था डिस्क इज अनरीडेबल, डिस्क इज डैमेज्ड, एरर कोड, नेटवर्क कोड, ये फला फला। तो मैं वाज लाइक टोटली डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार एक ब्लू रे खरीदी मैंने बैटलफील्ड की, चलो सर्वर वगैरह खराब होना तो ठीक है, इनकी तो सीडी की प्रोडक्शन भी खराब है, तो इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बैटलफील्ड वालों को। यार वो बेसिकली हो गए थे लालची, उनको बेसिकली उनका एक बैटलफील्ड 3, बैटलफील्ड 2, बैटलफील्ड बैड कंपनी 2, इतनी उन लोगों ने ज़बरदस्त गेमें बनाई हैं। उन्होंने कहा यार कॉपी पेस्ट मार के अपना प्रोडक्ट आगे कर देते हैं, लोग सोचेंगे बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बैटलफील्ड 4 है थोड़ा सा। और इन लोगों ने जो बोंगी लेवोल्यूशन, याद है जो इन्होंने कहा था ये कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे यार ये PS4 और Xbox One क्या नाम अनाउंस हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे इन लोगों ने कहा था कि हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, आप बिल्डिंग गिरा सकते हो, आप ये कर हाँ, तो सकते हो। बिल्कुल आपको उनकी ये रेवोल्यूशन थी ना कि नहीं, उनकी सर्वर ये खराब, नहीं, एक मिनट उनकी एक मिनट, गेमें खराब। नहीं जी, ये देखो उन लोगों ने पहले इतने झूठे वादे किए कि आपको पूरी फ्रीडम होगी, लेवल चेंजिंग, बिल्कुल गेम चेंजर हो गए आप, ठीक है उन्होंने वादे किए। जब गेम झूठे आई, बात। वही ना, जब गेम आई मैंने खुद खेली बैटलफील्ड 4 पायरेटेड, नहीं ओरिजिनल, मैंने खुद पीसी के ऊपर, इनका ओरिजिन इतना गंदा सर्वर है वो लेकर मैंने फिर भी किसी तरह डाउनलोड करके गेम लगाई है। तो बाद में जाके पता चला कि लेवोल्यूशन के ऊपर आपको कोई फ्रीडम नहीं है, वो बस एक छोटा सा प्री रेंडर सीन है कि आप ये चीज़ उड़ाओगे तो बस ये बिल्डिंग टूटेगी, वो बिल्डिंग नहीं टूटेगी। तो ये बेसिकली एक झूठी बोल रही है। तो इसी तरह के वाइट डॉग ने 2011 के अंदर सबसे पहले अपने ट्रेलर दिखाया कि आपको ये इतना एक्सप्लोजन होंगे, इतनी गाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त होंगी, शूटिंग के ऊपर एम प्रिसीजन बड़ा अच्छा होगा, कैमरे बड़ी ज़बरदस्त जगह पे होंगे, और एंड प्रोडक्ट पे आकर उन्होंने कहा जन्नत में जाओ, हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते। जाना मैं जब हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते, एग्जैक्टली मेरे दिल की बात रही है। आई मीन वॉच डॉग्स एक ऐसी गेम है जिसके पीछे मैं 2 दिन नहीं सोया किसी एक्साइटमेंट में कि वॉच डॉग आनी है। अब अलबत्ता वो तो अलग बात है कि उस टाइम मुझे नींद आई थी, लेकिन आई वॉज फुली चार्ज फॉर वॉच डॉग्स, आई एम सॉरी वॉक डॉग्स कह रहा हूँ मैं, वॉच डॉग्स के लिए मैं इतना रेडी था कि जब मैंने सीटी डाली तो आई वॉज लाइक टोटली इतना मैं दुखी हो गया। यकीन करें मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ जितना मुझे वॉच डॉग के फजूल होने पे अफसोस हुआ था। नहीं वो तो इतनी एक मुझे उससे वो उम्मीद सी और वो ऐसी गेम लिख लिया। मैं नथिंग वाज फ्रॉम द ट्रेलर्स, ट्रेलर बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं थे, जिसको कहते हैं ना ऑनेस्टी होनी ट्रेलर में, वो तो बिल्कुल नहीं था। आई मीन कि गाड़ी 2 मिनट में ठुकी है और सारी गायब हो गई है, ग्लिचों ने भरी हुई गेम। आई मीन देयर वाज नथिंग टू डू, एक बंदा मोबाइल लेके लंगूरों की तरह फेर रहा है। वॉच डॉग को मैं लेजेंड नहीं कहूंगा, एक गुड प्रोडक्ट भी नहीं कहूंगा, इट वॉज एन एवरेज पीस ऑफ वर्क, और वो भी झूठ था, जस्ट लाइक बैटल फील्ड रेवोल्यूशन। ये भी एक तरह की टेंगी मिंगी रेवोल्यूशन ही थी जो नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी, आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड। तो बिल्कुल आपके वाली बात करूंगा मैं कि ये वॉच डॉग भी बैटल फील्ड की तरह ही, दोनों ये बिल्कुल। देखो कि हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते जो डेवलपर हैं, पहली बात है हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते इस बात पे। हाँ बिल्कुल, ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने ब्लेम करना है तो हम खुद को करें, खुद गेमर्स को करें, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करें कि हम इनको क्यों सपोर्ट करते हैं। यही तो बात है कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं। आई अगर मीन हम यूबीसॉफ्ट के बाकी प्रोडक्ट आप लेने, क्रीड वगैरह, वो जबरदस्त जा रहे हैं। आई मीन व्हाई टू सपोर्ट समथिंग दैट इज टोटली अनफेयर। यार ये देखो, जब तक जब हम इनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं ना, इनका नवाला छिन जाता है इनके मुंह में से। ये कहते हैं हम किसी ना किसी तरह फिर इनकी अपनी जितनी भी बातें जरूरत, हैं, हम इनकी जितनी भी बातें हैं मान के हम इनको वो गेम दे दें जो ये इनके फिर वही मुताबिक बात हो। करूंगा ना, वही मैं से आपकी वही वाली बात करूंगा ना कि फिर अपनी जरूरत को अपनी लोड नू कर देने, हमारी डिमांड को पूरा। यार ये हिसाब हुआ ना पाकिस्तान की तरह के, यहाँ पे जो नवाज शरीफ है, जब इसको जब ये बिल्कुल बात सुना, जबरदस्त जब ये बन जाता है तो ये अवाम को कहता है, जब ये नहीं बनता जनमित तो ये लोगों के पैरों के अंदर गिर के वोट मांगता है कि मुझे वोट दे दो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, आप पीले जो कहोगे मैं वो करूंगा। जलसों पे रो रहे होते हैं हमारे जो माशाल्लाह से ये गंजे मियां साहब है ना, ये रो रहे होते हैं। आई मीन लाइक आई डोंट वांट टू गो वायलेंट ऑन पॉलिटिक्स बिकॉज़ आई रियली हेट नहीं, दैट गाय। पॉलिटिक्स तो को बस गेम्स के अंदर एक इन्वॉल्व नहीं करना। हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना, वो आपको पता बहुत गंदा फंडा हो जाएगा फिर, क्योंकि वी बोथ आर फ्रॉम पीटीआई एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी सपोर्ट द ट्रूथ हाँ, एंड आई लेकिन वुड अगर किसी रिकमेंड। PMLL ने या किसी और ने सुन लिया तो हाँ मुसीबत बन मैं कह सकती रहा है, पहाड़ पे जाए इसलिए कि दूर पॉडकास्ट रहो। ऐसे दूर रहो, बिल्कुल दूर है इससे। तो लेट्स चेंज द टॉपिक, जूम। चले जी मिजी, नेक्स्ट टॉपिक रोल करें। नेक्स्ट टॉपिक, अभी अभी ये दोबारा एक शुरू हुआ है कि टूम रेडर टाइम्ड एक्सक्लूसिव। उसको तो दफा कर दे, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगा। ये सबसे सस्ता स्टंट था एक्सबॉक्स का,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक और इधर टॉपिक आया हुआ है कि डेस्टिनी को इजाज़त नहीं मिली ऐड करने की, तो उन्होंने उनके मुंह पे जवाब देने के लिए एक परफ्यूम ऐड निकाला है डेस्टिनी का। अल्लाह माफी, किथे किथे की हो है दुनिया जी। नहीं, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ना अब बिल्कुल ही एक हिसाब से बिल्कुल एंड पे, एक जो होती है ना क्लिफ के एंड पे खड़ा हो और धक्के की बस उसको दे रहा है, उसने खत्म हो जाना है। देख, धक्का भी नहीं, धक्का भी नहीं, इवन टो देने की हल्का सा। वही बस इतने से जोर पे आके वो पता नहीं उसको किसी तरह, पता नहीं क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने उसको संभाल के अपनी जगह पे खड़ा किया, पता नहीं मौजदा ही है किस्म का कि वो खड़ी ही है अपनी जगह पे। क्योंकि स्टेबलाइज हुए में किस मेरे ख्याल वही क्योंकि इन्होंने जो शुरू में जो क्या नाम है, मैं बैड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन जो इन्होंने से। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है, ये हमारा गेम ऑन पॉडकास्ट और गेम ऑन बंटू का बहुत पुराना रूल है, इट इज नो बैड वर्ड्स। लेकिन अब मेजी हमारे ज्यादा एक्सपीरियंस भाई हैं, चले कोई बात नहीं, हम आपको माइल्ड मेच्योर ऑडियंस वर्ड यूज करने की इजाजत देते हैं, कीजिए। नहीं देखो, एक्सबॉक्स ने जो शुरू में क्या नाम है हरकत की थी ना कि गेमर्स को एंटरटेनमेंट दिखाना शुरू कर दिया एक्सबॉक्स वन की लॉन्च पे, बिल्कुल ऐसे ही, वो सबसे बड़ा इनका बेवकूफ़ी वाला मूव था कि इन्होंने कहा कि अब हमारा एक प्रोडक्ट 2006 से 2012 तक PS3 को ख़त्म कर चुका, तो PS4 हमारे बराबर नहीं आएगा। इन लोगों ने कहा चलो यार एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, और यकीन करो मैं उस टाइम मेरे पास Xbox 360, मैं कहा यार चलो हम इनका देखते हैं कॉन्फ्रेंस ये क्या करते हैं। मैं पूरी रात जागा रहा हूँ, मैंने तकरीबन 3 या 2 बजे इनकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, मैंने सारी देखी है, और मेरा दिल कर रहा था मैं कीबोर्ड पकड़ के मॉनिटर पे मार दूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने एक भी गेम नहीं दिखाई, इंटरटेनमेंट ही दिखाया, जो पाकिस्तान में हमें कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई क्या नाम है नेटफ्लिक्स है ना कुछ है, ना नेटफ्लिक्स कुछ भी या नहीं है। प्रीमियम हाँ सर्विस कुछ भी पाकिस्तान के अंदर नहीं। हम ये यूज़ कर नहीं सकते हैं इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे चल रहा और है, एंटरटेनमेंट बाद पर्पस। में ये देखो कि इन लोगों ने जब देखा यार गलती हो गई है अब सुधारते हैं, इन्होंने जो इनका सबसे पहला था इनका CEO, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इसने उसको फायर करके एक और नया CEO अपनी जगह पर रख दिया, ओह माय और गॉड, उसके ऊपर इन लोगों ने और बहुत बड़ी जो इन लोगों ने गलती की है, इन लोगों ने सोनी के साथ मुंह के ऊपर पंगा लेना शुरू कर दिया। जिस तरह इन्होंने 1996 से 2000 में क्या नाम है एप्पल के साथ पंगा लिया था एड उनके खिलाफ बनाकर, और इन लोगों ने एक दफ़ा इधर एक ऐड आया था IGN के ऊपर कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐड बनाया एक फुटबॉल के ऊपर, ठीक और उस फुटबॉल के ऊपर ये रिप्रेजेंट किया हुआ कि एक टीम जीत रही है और एक टीम फाइट बैक कर रही है। अब इन लोगों ने उस ऐड के अंदर ये दिखाने की कोशिश किया कि PS4 इनसे जीत रहा है लेकिन ये फाइट बैक कर रहे हैं। मतलब इन्होंने गोल मोल करके मुंह पे बात ये शो करने की कोशिश की है कि एनी वे एनी कास्ट एंड एनी यू नो के फाइट Xbox One ही टॉप पे है। लेकिन Xbox One टॉप पे नहीं है, लेकिन मैं अब कंसोल वारनी शुरू करूंगा, कमेंट सेक्शन पे सारे मुझे गालियां देना शुरू कर दें मेरी एग्जैक्टली, स्लो नो यू ब्ला कंसोल ब्ला वॉर, ही ब्ला नीड लव इन द कंसोल्स, बिल्कुल टाइम ऑफ बटे नहीं कंसोल वॉर्स मत मैं लीजिए। कंसोल PC यूजर क्योंकि दोनों मजे की बात देखिए ना आप, मजे की बात ये देखिए, आप कंसोल पीसी तो है ही है, आप बड़े पीसी गेमर हैं, मैं कंसोल गेमर हूँ। मसला तो ये पॉडकास्ट से शुरू हो जाएगा जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकेगा, तो हम बेहतर है के लिए लेट्स जस्ट पुट अ स्टॉप ऑन द कंसोल वॉर्स, क्योंकि मोइन साहब जो है वो हमारे डेडिकेटेड पीसी गेमर हैं। मैं तो पैदाइशी हार्ड कोर कंसोल गेमर हूँ, मैंने तो कभी पीसी को टच नहीं किया गेम के लिए, तो खुद ही सोचे कि Xbox कंसोल वॉर्स तो हम यहाँ से पॉडकास्ट को पॉडकास्ट वॉर बना देंगे। फैन बॉयज को भी हाँ मान हाँ लेना चाहिए कि मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कोई भी डेवलपर इस टाइम एक्सबॉक्स के साथ काम करने को राजी नहीं है सिवाय इनके अपने जो स्टूडियोज हैं, कोई भी इनके साथ राजी नहीं है। इनका अपना स्टूडियो बंजी जिन्होंने हेलो इतनी ज़बरदस्त हेलो गेम बनाई, हेलो इतनी ज़बरदस्त मल्टीप्लेयर गेम है कि मैं उसको कहता हूँ वो प्लैटिनम है। क्या गेम है, वाह जबरदस्त, मैं खुद बहुत एंजॉय किया लो। और उन डेवलपर्स ने माइक्रोसॉफ्ट से लादा होकर एक्टिविजन के साथ मिलकर बना ली क्या नाम है उसका डेस्टिनी, डेस्टिनी जो अभी तक मैंने खेल नहीं क्योंकि वो PC पोर्ट नहीं अभी उसका आया, लेकिन उम्मीद है कि ये इतने बुरे नहीं होंगे और निकाल लेंगे। यार यार आज फिर बोले यार फिर भी ये बात है कि जो एक्सबॉक्स इस टाइम जितनी भी मेहनत कर रहा है ना कि हमारा प्रोडक्ट इसी तरह बिक जाए, क्योंकि पहले देखो इन लोगों ने शुरू में जो सबसे पहले इन लोगों ने बात की थी ये मुझे अभी तक याद है, इन्होंने कहा था कि कनेक्ट जो है वो फ्यूचर है, इस ये फ्यूचर है, इसके बगैर ना एक्सबॉक्स हम बेचेंगे
ये साथ मिलेगा और इसके साथ गेम्स भी होंगी, कहा था इन्होंने। उसके बाद इन लोगों को पता चला कि सेल्स हमारी कोई इतनी ज़्यादा बिक नहीं रही है, इन लोगों ने वो एक्सबॉक्स इलादा कर वो कनेक्ट को एक्सबॉक्स इलादा करके साइड पे रख दिया है, उसको अब अहमियत दे ही नहीं रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उन्होंने फ्यूचर को अलग कर दिया ना, फ्यूचर को कोई अहमियत नहीं दे रहे वो फ्यूचर को भी नहीं देना, अभी। फ्यूचर जन्नत में जाए, हमने अपनी सिर्फ एक्सबॉक्स भी कुवानी किसी तरह, जो मर्जी हो जाए, इनका यही है, अब ये मोटो बन बिल्कुल गया कोई, इनका। मैं फिर माइंड मत कीजिएगा, मैं फिर वही नून लीग वाली बात करूंगा कि जब तक आए नहीं तब तक पैरों में गिर जाना, और जब तक आ गए मैं जाना मैं जाओ। तो आई वही थिंक दैट इज टुडेज रैप अप, 28 मिनट्स हैव गॉन ऑन द पॉडकास्ट, गेम ऑफ पॉडकास्ट। हमारे साथ मेजी थे, मोइन इमरान ए के मेजी, द पीसी गेमर एंड द वेरी टैलेंटेड गेम मेकर ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह इनके प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स विल रूल द वर्ल्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह। ये दिस इज हाउ वी रैप अप द गेम ऑन पॉडकास्ट एपिसोड 1, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वी डोंट से गुड बाय, हम अल्लाह हाफिज जरूर कहेंगे लेकिन हम बाय बाय नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, फॉर देयर इज अ चांस ऑफ अस टू कम बैक। सो इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोइन इमरान, ओवर टू यू मोइन इमरान, एंड इट। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय।